हेलो दोस्तों, आज मेरे पास एक स्टीडियो मास्टर का एम्पलीफायर आया है जो कि 4000 वाट का है, जो डीजे सीरीज है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा एम्पलीफायर तो ओके है, बट इसमें स्पीकर बार बार जलाने का फॉल्ट आता है। सो मैं देखता हूँ कि किसमें क्या है। जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ कि बी जोन में मैंने स्पीकर ऑन कनेक्ट किए हैं और ऑक्स इनपुट सॉकेट भी लगाए हुए हैं। चलिए दोस्तों, एम्पलीफायर हम ऑन कर चुके हैं। ओके दोस्तों, जैसे कि दोस्तों मैंने बताया कि हम इसे ऑन कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, आप ऑडियो ग्रेड सुन सकते हैं। ओके दोस्तों, और आप देख सकते हैं कि हमने एम्पलीफायर के स्पीकर से मैंने मीटर को कनेक्ट किए हुए हैं एसी रेंज में, कि 17 वोल्ट 23 वोल्ट के आसपास शो कर रहे हैं, क्योंकि हमें तो ये स्विच ठीक शो कर रहे हैं। फिर भी मैं इसे ढक्कन को खोल करके चेक कर लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, जैसे कि मैंने एम्पलीफायर को एम्प को खोल लिए हैं, खोलने के बाद मैंने देखा कि हमारा एसपी का जो सेक्शन है वो तो ठीक दिख रहे हैं, बट कस्टमर का कहना है कि हमारा स्पीकर बार बार जलते हैं। तो चलिए मैं देख लेता हूँ। जैसा कि मैंने ध्यान से देखा तो वहाँ कुछ चेंजिंग किए हुए हैं डिवाइस में। ओके दोस्तों, चलिए मैं इसे फिर से दिखा देता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारा NTC 10 ओम का है, R10 NTC है, और उसके सीरीज में हमारा एक PF लगा हुआ होता है। दोनों ही चैनल ए बी जोन और ए जोन में लगा हुआ होता है, जैसे कि मैं चिमटी की सहायता से आपको दिखाया हूँ। चलिए दोस्तों, इसके लिए हमें पहले इसे एम्पलीफायर का ये पावर बोर्ड को निकालना पड़ेगा। ओके दोस्तों, इस प्रकार से सभी जीकों को बाहर निकाल लेना है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस तरह से कनेक्टर को दाब कर निकालना है, ये लॉक होते हैं। ओके, आप हमारे चैनल पे इसी प्रकार बने हैं नए नए वीडियो देखने के लिए। मेरा नाम है आलोक, आलोक पासवान, न्यू भारत इलेक्ट्रॉनिक दुकान का नाम है। ओके दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल पे बने रहने के लिए धन्यवाद आपको। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हम सारे कनेक्टर को निकाल लेंगे। और एक और ध्यान देने वाली बात है, जो भी जिक हम यहाँ जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है ग्राउंड है, और ये हमारा ए जोन और दूसरा बी जोन का है, इसमें आप मार्क कर लीजिएगा जैसे कि मैंने मार्क कर दिए हूँ। ठीक है दोस्तों, मैं दिखा रहा हूँ, ये हमारा ए जोन, ये हमारा बी जोन का है स्पीक आउट कनेक्शन, ये हमारा ग्राउंड का कनेक्शन है रेड वाला, क्योंकि मार्क इसलिए करना पड़ा क्योंकि तीनों ही कलर एक हैं इस वजह से। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से हम इसे बाहर की ओर और सप्लाई बोर्ड को निकाल लेंगे, क्योंकि ये इसी में हमारा स्पीक आउट का भी रिले लगी हुई है। ओके दोस्तों, और एक बात ध्यान देने वाली बात है, जो भी जीके आप निकालें सभी पे मार्क कर लें, जैसे कि मैंने पहले से मार्क किए हुए हैं। ओके दोस्तों, इसके स्क्रू खोलने के बाद आप इसे बोर्ड को बाहर निकाल सकते हैं, जैसे कि मैं निकाल रहा हूँ बोर्ड बाहर। तो इसी प्रकार से हम बोर्ड को बाहर निकाल लेंगे, क्योंकि इसमें इनबिल्ट होता है स्पीक आउट के रिले भी और पावर के सारे कंडेंसर, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये हमारा स्पीक आउट प्रोटेक्शन सर्किट है। जैसे कि इसे पहले से रिपेयर किए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमारा स्पीक आउट का रिले है और ये क्वाइल है, हेनरी क्वाइल है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा 1 और 2 दोनों ही जोन का प्रोटेक्शन सर्किट है, आप देख सकते हैं। इस जगह पे जैसे कि मैंने ये PTC को निकाल दिया, सॉरी NTC को निकाला है मैंने, और ये हमारा PF 104 PF 2 KVA में, जो कि सीरीज में लगी हुई होती है,
ओके दोस्तों, ये भी एक तरह का हमारा प्रोटेक्शन के लिए ठीक ही डिवाइस है, बट इसके आगे मैं ये E510 ओम का रेजिस्टेंस लगाऊंगा, क्योंकि ये हीट ऑब्जर्वेशन करता है और ये प्रॉपरली स्पीक आउट में स्पीक का जो वॉयस होते हैं उसको कंट्रोल करते हैं। इसके ओपन होने से हमारा एम्पलीफायर में का जो आवाज़ है वो ज़रूरत से ज़्यादा नॉइज़ रिफ्लेक्ट करते हैं, जिसमें साउंड की क्वालिटी नहीं होती है, और इसके कारण से ही हमारा स्पीकर को बार बार जलाने का फॉल्ट आता है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमने रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर लिए हैं। ओके दोस्तों, अभी इसे हम सोल्डिंग करके फिर जो अपना सिस्टम है इसे ऑन करके मैं देखूंगा कि हाँ क्या हमारा पहले जैसा जो मीटर पे मैंने वोल्टेज शो कराए थे वो ठीक है कि नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से हमने सारे जो दोनों रेजिस्टेंसेस और मैं लगा दिया हूँ। ठीक है, और इसी तरह से पुनः जैसे आपने इसे बाहर निकाला था उसी प्रकार से इसे फिट कर लेने हैं, जैसा कि मैंने ये सारे जीके को लगा लिए हैं। ठीक है, ये हमारा मॉड्यूल बॉक्स का कनेक्टेड है जो कि पावर सप्लाई से है, निकल कर मॉड्यूलर में जाते हैं जो कि मॉस्फेट बैंक के मॉड्यूलर में लगते हैं। ठीक है दोस्तों, ये कनेक्टर हमारा कभी भी उल्टा नहीं लगता है क्योंकि इसमें सिंबल होते हैं। ओके दोस्तों, इसी प्रकार से सारे जी ध्यान से आप देख लेने हैं सारे कनेक्टर को। ठीक है दोस्तों, और ये हमारा स्पीक आउट है, इसमें हम एक ग्राउंड है और दो हमारा, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ देख सकते हैं, मैंने BGM के कनेक्ट किया है स्पीक आउट का। ये हमारा ग्राउंड वायर है देख सकते हैं, मैं ग्राउंड का कनेक्शन कर लिया हूँ। ओके दोस्तों, ये हमारा ये जोन का कनेक्टर है जो कि स्पीक आउट कनेक्टर बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से इसे कनेक्ट करने के बाद हम इसे पुनः चालू करके फिर इसे चेक करेंगे। जैसे कि मैंने सारे कनेक्टर को लगा लिए हैं, ये हमारा ए जोन का है, ये हमारा ग्राउंड है, और ये हमारा प्लस माइनस सप्लाई है, डुअल पावर सप्लाई होते हैं। इस तरह से ये हमारा प्रीएम के जो कि पीछे इनपुट सॉकेट के लिए दिए हुए हैं, 15015- का जो सप्लाई है। सो मैंने रेजिस्टेंस तो लगा लिए हैं बट ये लग नहीं पा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, फिर से हमें कनेक्टर को हटाने के बाद इसे लगाना पड़ेगा। ओके दोस्तों, फिर से मैं ये इस कनेक्टर को लगाने के लिए स्पीक आउट के कनेक्शन हटाएंगे, हटाने के बाद इसे फिर से हम कनेक्ट कर लेंगे, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस तरह से चिमटी की सहायता से आप इसे अंदर की ओर डालकर कनेक्ट कर लें, चूँकि थोड़ी सी असुविधा हो रही है। ओके दोस्तों, इसी प्रकार से हमने इसे कनेक्ट कर लिए हैं, और कनेक्टर को लूज ना हो इसलिए हम इस पर फोन फिक्स से डाल देंगे ताकि ये हीट होते हैं हमारा रेजिस्टेंस, क्योंकि दोनों तरफ रिले हैं और ये स्पीक आउट पे पाथ में लगी हुई होती है सीरीज करके प्लस माइनस के माध्यम पे। हमारा E10 ओम 5 वाट का रेजिस्टेंस है। ओके दोस्तों, ठीक है, इसी प्रकार से मैंने जैसा कि ठीक है दोस्तों, मैंने एम्पलीफायर को ऑन कर लिया है जैसा कि मैं दिखा रहा हूँ आपको, इसे हम ऑन कर लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं दोनों प्रोटेक्शन में हैं, यह हमारे कुछ सेकंड के बाद दोनों जोन ऑन हो जाएंगे, जैसे कि ऑन हो गया। आप देख सकते हैं ये जोन और बी जोन का हमारा गेट को, अब आप मीटर पे देख सकते हैं 15 वोल्ट 25 वोल्ट जो कि हमारा ठीक है। अगर 25 वोल्ट से 30 वोल्ट या 40-50 वोल्ट के आसपास अगर AC आउटपुट शो करेंगे तो आपका स्पीकर जल जाएंगे। ओके दोस्तों,
इस प्रकार से हमारा ये स्पीक आउट प्रोटेक्शन का जो स्पीकर जलने का जो बार बार जलने का जब प्रॉब्लम आता है, जिस दो डिवाइस को चेंज करने से आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमारे चैनल पे बने रहें। जैसे कि मैं अब आपको ए जोन में दिखा रहा हूँ, ये हमारा क्लिप का सिग्नल इंडिकेट शो कर रहे हैं। जैसा कि मैं इस पे भी आपको मीटर से कनेक्ट करके दिखाते हैं, 11 वोल्ट, 21 वोल्ट, 26 वोल्ट तक के जो आपको 30 वोल्ट तक के दिख रहे हैं वो ठीक है। इस पे आपको 35 वोल्ट तक का आउटपुट होनी चाहिए, क्योंकि एसी में चेक किया जाता है। मैं अलग अलग इसलिए चेक कर रहा हूँ क्योंकि ये स्टूडियो मोड में है। हो गए दोस्तों, आप देख सकते हैं इस प्रकार हमारे चैनल पे आप बने रहें। ठीक है दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको दिखाया, आप देख सकते हैं इस प्रकार से। आपको मैं बता देता हूँ कि अगर स्टीडियो मास्टर या किसी भी एम्प में स्पीकर बार बार जलने का फॉल्ट आए, तो आप इस तरह का डिवाइस चेक कर लें जो कि स्पीक आउट में लगी हुई होती है। ओके दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।